गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर टू बायोलॉजी के पढ़ा रहे थे। ठीक है, बायोलॉजी में चैप्टर टू जो था टिश्यू था या ऊतक था। ठीक है, ऊतक में हमने बताया था कि ऊतक मुख्य टू टाइप्स के होते हैं। एक पादप ऊतक होता है प्लांट टिश्यू, और दूसरा होता है एनिमल ऊतक जिसे एनिमल टिश्यू कहा जाता है, ठीक, या जंतु ऊतक कहा जाता है। ठीक, प्लांट टिश्यू के बारे में हम आपको बता रहे थे। प्लांट टिश्यू जो पौधों में टिश्यू पाए जाते हैं वो प्लांट टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, है ना। और प्लांट टिश्यू में मुख्य तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग हमने बताए थे आपको। प्लांट टिश्यू के मुख्य तीन भाग कौन कौन से थे? पहला था विभाज्य ऊतक जिसे मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो टिश्यू था हमारा वो कौन सा था? स्थायी ऊतक जिसे परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक, और तीसरा हमारा जो था वो रक्षी ऊतक था, रक्षी ऊतक जिसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये तीन टाइप के हमने टिश्यू आपको बताए थे। ठीक, उसके बाद जब हमने मेरिस्टेमेटिक बताया था तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने तीन पार्ट बताए थे इसके भी। ठीक है, कौन कौन से तीन पार्ट हमने मेरिस्टेमेटिक के बताए थे? पहला हमने बताया था एपिकल जिसे शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो कौन सा था? लैटरल टिश्यू। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे क्या कहते हैं? पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक, जो पहला था वो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक था, और दूसरा जो है वो क्या है? पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक, जो तीसरा हमारा है वो क्या था? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, या बोलते हैं क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने कितने पार्ट बताए? तीन पार्ट मुख्य रूप से बताए, जिसे क्या कहते हैं? एपिकल जिसे क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। दूसरा लैटरल जिसे पार्श्व विभाज्य ऊतक कहते हैं। ठीक, और जो हमारा तीसरा है वो क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बताई थी, सबके हमने बताया थे क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, कुछ जो है जड़ की मोटाई, तने की मोटाई, कुछ पत्तियों को आगे बढ़ाना, कुछ जो करते हैं वो शाखाओं को क्या करते हैं? शाखाओं को बढ़ाने का काम, या शाखाओं की वृद्धि में, जैसे कि ये हमारा ऊतक है, ये क्या करता है? शाखाओं की वृद्धि में सहायक है, लैटरल विभाज्य ऊतक। ठीक, जो इंटरकैलरी है वो सेल डिवीजन में भी सहायक होता है। ठीक है, तो विभाज्य ऊतक का मतलब ही क्या होता है? विभाजन करना। तो सेल का डिवीजन ये विभाज्य ऊतक जो होते हैं, ठीक, ये करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा शायद। ठीक है, अब हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया था। परमानेंट टिश्यू के मुख्य कितने पार्ट थे? परमानेंट टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप का होता है? परमानेंट मतलब स्थायी ऊतक। ठीक, जो स्थायी ऊतक होता है वो उसके मुख्य दो पार्ट थे। ठीक है, मुख्य दो पार्ट इसके कौन कौन से थे? एक हमारा था सरल ऊतक। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा जो है वो क्या है? जटिल ऊतक। ठीक, जटिल ऊतक जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, ये हमने बताया था। ठीक है, स्थायी ऊतक जो है या परमानेंट टिश्यू है टू टाइप के होते हैं, एक सरल ऊतक जिसे सिंपल टिश्यू कहते हैं, और दूसरा जटिल ऊतक जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और इसी सरल ऊतक को हमने डिवाइड किया था, तीन पार्ट में। ठीक है, तीन पार्ट में ये सरल ऊतक जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक, जिसे क्या क्या बोला जाता है? मृदु ऊतक, पहला जो था मृदु ऊतक कहते हैं, जिसे पैरेंकाइमा कहा जाता है, पैरेंकाइमा। ठीक, दूसरा हमारा जो है वो स्थूल कोण ऊतक कहलाता है, क्या कहलाता है? स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, क्या कहलाता है? स्थूल कोण ऊतक।
ठीक, जिसे क्या कहते हैं हम, पोलन काइमा, पोलन काइमा, ठीक। और जो हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा जो पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, द्रणोत्तक, द्रणोत्तक, ठीक। द्रणोत्तक को क्या कहते हैं, स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन स्क्लेरेन काइमा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या था, हमने बताया कि पादप उत्तक मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक जिसे विभज्योत्तक बोलते हैं, दूसरा परमानेंट टिश्यू जिसे स्थायी उत्तक बोलते हैं, और तीसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसे रक्षी उत्तक कहा जाता है, ठीक है। और हमने बताया कि विभज्योत्तक के मुख्य तीन भाग बताए, ठीक है, कौन कौन से हमने भाग बताए, मुख्य तीन पार्ट हमने बताए थे, कौन कौन से बताए थे, वो सब हमने आपको बताया, ठीक है, कि विभज्योत्तक के कौन कौन से पार्ट थे। एक शीर्षस्थ था, ठीक है, जिसे एपिकल बोलते हैं, दूसरा पार्श्व था जिसे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और तीसरा अंतर्विष्ट जिसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलोरी विभज्योत्तक बोलते हैं। उसके बाद हमने सरल उत्तक के बारे में बताया, सरल उत्तक जो स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक जिसे सिंपल टिश्यू कहते हैं, और दूसरा जटिल उत्तक जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सरल उत्तक के तीन मुख्य भाग हैं, जिसे मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूल कोण उत्तक जिसे कोलेन्काइमा कहते हैं, और तीसरा हमारा क्या है, द्रव उत्तक जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हमने बताए, ठीक। मृदु उत्तक जो होता है, मृदु उत्तक हमारा होता है, जो हमने स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बताई थी, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या होती है, यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, जहाँ कॉर्टेक्स पाया जाता है वहीं पास क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स उपस्थित होती है। हमने स्ट्रक्चर के थ्रू आपको इसकी जानकारी, इसको हमने बताया था, है ना, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जो मृदु उत्तक क्या करते हैं, भोजन का संचय करना और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने का भी काम ये मृदु उत्तक जो होते हैं, पैरेन्काइमा या मृदु उत्तक जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बताई, ठीक। इसके बाद जो हमारा है स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक अब क्या होता है, स्थूल कोण उत्तक क्या होता है, ठीक है, स्थूल कोण उत्तक क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेन्काइमा कहते हैं। कोलेन्काइमा क्या होती है, ये अधिकतर क्या होता है, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, जिनमें द्विबीजपत्र होते हैं, वो द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, एपिडर्मिस, मीन्स एपिडर्मिस कौन सा स्थान, जो सबसे बाहरी ऊपरी स्थान जो होता है उसी को एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, ठीक है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है कौन सी सेल, कोलेन्काइमा पाई जाती है, ठीक है। जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं उसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो लेयर पाई जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी स्थूल कोण उत्तक कहलाती है या कोलेन्काइमा कहलाती है, ठीक है। और क्या होती है, ये क्या होती है, ये सेल्स जो होती है वो लिविंग सेल्स होती है या जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। कौन सी कैसी कोशिकाएं होती है, लिविंग सेल्स या जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये क्या होती है, मोटी होती है, ये क्या करती है, कुछ जो जैसे कि टहनी होती है, ठीक है, या जो ब्रांचेस होती है उनमें क्या होता है, किसी किसी में एकदम लचीली पूरी तरीके से घूम जाती है ना, ठीक। तो उसमें क्या करती है, ये जो कोलेन्काइमा होती है वो लचीलापन लाती है, ठीक है। जो सेल्स हैं, ठीक है, जो डंडी है उसमें क्या करती है, लचीलापन लाती है। और ये क्या करती है, जो प्लांट ग्रो करता है तो उनको क्या करती है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, ठीक है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। और इसीलिए क्या है, ये जो पौधे के विभिन्न भागों में पाई जाती है, ठीक है, विभिन्न भागों में ये पाई जाती है, मतलब चाहे वो तना हो चाहे पत्ती हो, ठीक है, इन दोनों में ये कोलेन्काइमा जो है उपस्थित होती है, पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो था, नेक्स्ट हमारा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है और पतली होती है, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, लंबी और पतली, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी होती है, किसकी, स्क्लेरेन्काइमा की, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें बनी होती है। अगर हम उस तरीके देखें, इस तरीके का स्थान जो जैसे बीच में अंतरकोश के स्थान पाया जाता है ना, और इसमें क्या होता है
कि ये बीच बीच में क्या है, अंतराय कोशिकीय स्थान है, वैक्यूल है, केंद्रक है, तो ये भी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कोशिकाएं उसमें उपस्थित होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, कुछ मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, लिग्निन। ठीक है, लिग्निन, लिग्निन एक मटेरियल जो होता है, ठीक है, सब्सटेंस होता है, वो इसमें भरा होता है इनकी सेल्स में, जिसके कारण ये कैसी होती है, मोटी होती है सेल्स इसकी। ठीक है, इसकी सेल्स कैसी होती है, कुछ मोटी होती है। ठीक, इसके जो सिरे होते हैं, देखिए सिरे पर क्या है, ये सिरा देखिए है, तो ये दोनों सिरों पर कैसी है, एकदम नुकीली टाइप स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, नुकीली स्ट्रक्चर होती है दोनों सिरों पर। ठीक है, दोनों किनारों पर कैसी स्ट्रक्चर होती है, नुकीली होती है। ठीक, जैसे हम एग्जांपल अगर बताएं तो नारियल जो होता है, ठीक है, जो हमारा कोकोनट होता है नारियल, तो नारियल में ये स्क्लेरेनकाइमा पाई जाती है, क्योंकि जो उसमें रेशे पाए जाते हैं, रेशे आपने देखे होंगे ना, नारियल का जो है फ्रूट, उसको आपने देखा होगा कि किस तरीके का होता है, तो उसमें जो रेशे पाए जाते हैं, वो रेशे जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा या द्रवोत्तक के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और क्या करती है, ये जैसे जो फल होते हैं, ठीक, या जो बीज होता है उसका जो छिलका होता है, फल या बीज का जो छिलका होता है, उसको भी बनाने का काम यही स्क्लेरेनकाइमा का ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको आज बताई। ठीक है, ये सारी चीजें जो पादप ऊतक था, पादप ऊतक के हमने तीन पार्ट बताए, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक के तीन पार्ट बताए, और जो हमारा परमानेंट टिश्यू है दो पार्ट बताए, और सरल टिश्यू के हमने तीन पार्ट बताए। ठीक है, तीनों पार्टों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, बाकी आप नोट्स पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी फिर भी कोई समस्या होती है तो हमसे डिस्कस करिए, हम आपको पूरी डिटेल फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम अगर हुआ करे तो वो हमसे डिस्कस किया कीजिए। ओके।